जय भीम ये कोई नारा नहीं है, वंचित और शोषित समाज का वो आवाज़ है जिन्हें न्याय दिला सकती है। एक्टर सूर्या की रिलीज हुई मोस्ट पावरफुल मूवी जय भीम की चर्चा सभी पर होते नजर आ रही है। इस फिल्म का मेन सब्जेक्ट ये है कि कैसे पुलिस अपने फायदे के लिए पिछड़े समाज यानी दलित समाज पर अत्याचार करते नजर आते हैं। इस फिल्म में पुलिस आदिवासी लोगों को ना किया हुआ जुल्म कबूल करने के लिए कहते हैं, जिसमें एक महिला मतलब राजकनु की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए चंद्रू नाम के वकील की मदद लेती है और ये केस लड़ते लड़ते चंद्रू के हाथ बहुत सारे पहलू लगते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते और ये हमारे देश में कई सालों से होते नज़र आ रहा है। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो हमें भारत की सच्चाई भी बताती है जो हमारे देश में पिछड़े समाज के साथ हो रही है, जो बहुत ज़्यादा घृणास्पद और दर्दनाक है। इस फिल्म को बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है, सूर्या ने अपना रोल बखूबी निभाया है, प्रकाश राज ने भी अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और राजकोनु की पत्नी एक्टर लिजो मॉल जोस ने भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस फिल्म में एक सीन है कि स्कूल में कोई बच्चा गांधी जी बना है तो कोई जवाहरलाल नेहरू, तब सूर्या बोलते हैं इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों नहीं। ये सवाल ही बहुत सारे सवाल पैदा करता है। इस फिल्म में एक डायलॉग बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देता है कि हमारे देश का कानून सबसे बड़ा हथियार है मगर इसका इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिल्म देखना बेहद ही ज़रूरी है जो हमें हमारे देश की सच्चाई बताती है। फिल्म का एंड एक कविता के साथ होता है, जय भीम मतलब रोशनी, जय भीम मतलब प्यार, जय भीम मतलब अंधेरे से रोशनी की यात्रा, जय भीम मतलब करोड़ों लोगों के आंसू। ये फिल्म हमें ये बयां करती है कि गरीब होना, दलित आदिवासी होना सबसे बड़ा गुनाह है और इस सब के खिलाफ आवाज़ उठना आज भी बेहद ज़रूरी है।